26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ ऐलान तक महदूद। पुलिस हॉटस्पॉट एरियाज के दाखिली रास्तों से गायब, आमदोरफ्त बदस्तूर जारी। कॉस्मेटिक सरकारी इकदाम की कलाई खुल गई। मुतासर इलाकों में मेडिकल सर्विसेज के सिवा निजी और सरकारी दफातर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स बंद रखने की हिदायत कर रखी है। कौमी क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड में भी कोरोना की गूंज। तीसरी टेस्टिंग के बाद कौमी टीम को ग्रीन सिग्नल। ग्रीन ईगल्स ने होटल से मुंसलिक ग्राउंड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। कोरोना के फैलाव का खतरा। नैब दफातर में औकात-ए-कार सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक महदूद। मुलाकातियों का दाखिला बंद। अफसरान और अमले को सख्ती से मास्क सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायत। थर्मल चेकिंग लाजमी कर दी। लाहौर से कराची फजाई सफर सस्ता और मजीद आसान। नई एयरलाइन ए सियाल का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 25 दिसंबर से रोजाना दो परवाजें। एक तरफा किराया 11,420 रुपए होगा। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगी सब्जी। महंगाई के सब रिकॉर्ड पाश पाश। अदरक की कीमत भी होशुबा। सब्जी की दुकानों पर 530 रुपए किलो पर फरोख। लहसुन 280, टमाटर 135 और सब्ज मिर्च 177 रुपए हो गई। इंतजामिया की दम तवज्जही या अमले की मिली भगत। यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया के रैक बदस्तूर खाली। कहीं आटा, कहीं चीनी तो कहीं तेल घी शॉर्ट। खरीदारी के लिए आने वाले बार बार मायूस। अमले इकदाम के बजाय इंतजामिया की जानिब से सिर्फ तसल्लियां। दावे बेबुनियाद, इकदामात नुमाइशी। महकमा माहौलियात की नाहली से लाहौर फिर आलूदा। जहरीले धुएं से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 388 तक रिकॉर्ड। स्मोक के बायस एयरपोर्ट पर हद निगाह भी महदूद। सिविल एविएशन ने एयरलाइंस के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी। शायद मैं एक दो दिन और डिले कर देती अपनी एक्टिविटीज और शायद ये मुल्तान के जलसे में ना जाती, लेकिन जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है वो जुल्म आज मुझे खींच कर मुल्तान अपने बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ लेके जा रहा है। ये जो रास्ते में लगा हुआ हर कंटेनर है, ये रास्ते में जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके खौफ के अक्कास हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पर हो, इंशाल्लाह ताला जलसा तो ज़रूर होगा। हुकूमत रोक सके तो रोक ले, मुल्तान ही नहीं लाहौर का जलसा भी होगा। मरियम नवाज का ऐलान। मुल्तान रवानगी पर मीडिया टॉक पे नायब सदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद की मुजम्मत। बोली रास्ते में लगा हर कंटेनर हुक्मरानों के खौफ की अलामत है। अवाम नाअहल और नालायक हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए बाहर निकले। मरियम नवाज की हुकूमत की कोरोना पॉलिसी पर भी तनकीद। पूछा क्या हुकूमत और जमात इस्लामी के जलसों से कोरोना नहीं फैल रहा। मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए रवानगी। जाती उमरा में बकरों का सदका। रुखसत होते वक्त खातून कारकुन की जानिब से मरियम नवाज के बाजू पर इमाम जामन और कुरान मजीद का साया। कारकुनान ने गाड़ी पर गुलपाशी की। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर हंगामा आराई का केस। सरदारा या सादिक और सलमान रफीक समेत 6 लीगी रहनुमाओं की जमानत में 18 दिसंबर तक की तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट का तफ्तीशी से दहशतगर्दी दफात पर इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि देखना है केस एटीसी का बनता भी है या नहीं। शेयर्स ले लिए, अदायगी नहीं की। मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब का सईद सैफ बिन जबर अल सवादी समेत दीगर दो अफराद से रिकॉर्ड तलब करने का फैसला। मरियम नवाज को तीन मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से 11 मिलियन के शेयर्स मुंतकिल किए गए थे। लाहौर पुलिस में थानेदारों का बहरान। 44 थाने बगैर इंचार्ज, इजाफी चार्ज का नफा। जिम्मेदारियां एडिशनल एसएचओ के सपुर्द। सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन के 14, इकबाल टाउन डिवीजन के 9, कैंट के 5 और सदर डिवीजन के 7 थानों में एडिशनल एसएचओ इंचार्ज की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं।
पुलिस में भर्तियों का दूसरा मरहला, लाहौर के लिए 790 एहलकारों और 3200 ट्रैफिक वार्डन ड्राइवर्स को मुंतखब किया जाएगा। पंजाब भर में 10,000 भर्तियों के बावजूद 5,500 कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की आसामियां खाली रह जाएंगी। लाहौर से सुतेली माह का सलूक, 25 करोड़ की आबादी और तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ 8 अरब। सूबे का सबसे बड़ा शहर फंड्स के अजाब में 5वें नंबर पर। डेरा गाजी खान पर खसूसी इनायतें, 15 अरब फंडिंग के साथ पंजाब भर में पहला नंबर। ग्रेड 22 के अफसर के बराबर तिब्बी सहूलियात, नीला पासपोर्ट, VIP लाउंज और सफारती प्रोटोकॉल, स्टेटस को की मुखालफत हुकूमत का, साबिक अवामी नुमाइंदों के लिए मरात बंडल, साबिक मेंबरान असेंबली के लिए सरकारी घरों की रियायती किराए पर फराहम किया जाएगा, तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट को हिदायत जारी। सस्ते घरों की तैयारी का मंसूबा, LDA सिटी अपार्टमेंट्स कमेटी पेशरफ्त में हायर, 4,000 अपार्टमेंट्स के लिए अरासी की फरामी में टाल मटोल, मंसूबे तक रसाई के लिए रास्ते की फरामी का तनाजे भी हल न किया जा सका। वाइस चेयरमैन LDA का कमेटी की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार, कारकर्दगी दिखाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। लाहौर गैर कानूनी इमारतों का जंगल, बल्दिया लाहौर के शुबा प्लानिंग की नाही और सुस्त रवि के आगे ई सिस्टम भी लाजवाब। जुलाई तक नवंबर मौसूल होने वाली दरख्वास्तें बगैर नक्शा तामीरात के मुकाबले में सिर्फ 10%, 955 मौसूल प्लाजेज में 508 की मंजूरी, 308 ताहाल इल्तवा का शिकार। बिजली के बिल और दफातर के किराए, अरबों रेवेन्यू जमा कराने वाला मालदार महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन भी नादहिंदा निकला। किराए की इमारतों में मौजूद 3 दफातर के मालिकान का 4 करोड़ की अदम अदायगी पर इमारतें खाली कराने का नोटिस, अदायगी न करने पर लेस्को का भी फाइनल लेटर, पेट्रोल मत में 2 करोड़ के भारी वाजबात मगर अदायगी सिर्फ 7 लाख। तालीम का अल्लाह ही हाफिज, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में अहम ओहदों पर सियासी भर्तियों के लिए दबाव, महकमा हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और कंट्रोलर की तैनाती में नाकाम, सर्च कमेटी के इंटरव्यूज और 3 नामों की सिफारिशात रद्दी की टोकरी में, मनपसंद मंजूरे नजर मगर नाकाम उम्मीदवारों ने तैनाती की समरी रुकवा दी। नई भर्तियों और इंक्रीमेंट्स पर इख्तलाफा, तारीखी मादरे इल्मी GC यूनिवर्सिटी में इंतजामी बहरान, एडमिनिस्ट्रेशन और सिंडिकेट में इख्तलाफा के सबब सिंडिकेट इजलास समेत बेशतर मामलों में इल्तवा, इंतजामिया का जल्द इतफाक की राय पैदा करने और 4 माह से मुलतवी शुदा सिंडिकेट इजलास जल्द बुलाने का इंदिया। कारकर्दगी दिखाने का जोश, तबादलों और तनजलियों का खौफ, सरकारी स्कूलों के सरबराहों की 8 लाख जाली एनरोलमेंट कर डाली, बेफॉर्म की सेस प्रोग्राम में डेटा एंट्री ने भांडा फोड़ दिया, सेस पर ताहाल 46% बच्चों की तस्दीक हो सकी, पंजाब टीचर्स यूनियन ने 45 लाख तलबा के बेफॉर्म डेटा की एंट्री के लिए मजीद 3 माह की मोहलत तलब कर ली। वकला की डिग्रियों की तस्दीक का केस, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बार काउंसिल इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियों की चेकिंग का हुक्म, केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी और कंट्रोल PU भी पेश, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। मुरीद के से नारोवाल रोड की अदम तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का आइंदा समाप्त पर चीफ सेक्रेटरी को पेश होने का हुक्म, केस की समाप्त के दौरान रिकॉर्ड पेश ना करने पर सरकारी वकील की सरजनिश, मजीद मोहलत की इस्तदा पर रिमार्क दिए कि दफ्तर में बैठकर झूठ ना बोलें। मियां बीवी में नाचाकी, बच्चा शटल कॉक बन गया, माँ की दरख्वास्त पर 4 साल बच्चे की बाले से बाजियाबी में नाकामी पर CCPO की तलबी, 4 दिसंबर को हाईकोर्ट पेश होने का हुक्म। मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत, अदाकारा इफ्फत उमर बयान के लिए पेश, बयानात मुकम्मल होने पर अदालत का वकला को जिरह का हुक्म, समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। कोरोना से बचाव के हिफाजती सामान की खरीदारी में भी घपले, मेयो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू, नैब ने मास्क ग्लव्स हिफाजती किट्स का खरीदारी रिकॉर्ड, मुख्तस फंड्स की तफसीलात, इश्तिहारात और टेंडर से मुतल्लिक दस्तावेजात तलब कर ली।
बुजदार सरकार का एक और मेगा मंसूबा, ठोकर न्याज बेग पर बैनुल अक्वामी मयार के बस टर्मिनल की तामीर की मंजूरी मिल गई। साबित हुकूमत का मंसूबा फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से 2.5 साल से ताखीर का शिकार था। अफसरान के इख्तलाफात से बड़ी सफरी सहूलत तबाह, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में खातून सीईओ और चेयरमैन के दरमियान इख्तियारात की जंग हरासानी के इल्जामात तक पहुंच गई। मरियम खावर की चेयरमैन शाहिद सदीकी के खिलाफ खातून मोहतसब को दरख्वास्त, चेयरमैन एलटीसी की जानिब से इल्जामात की तर्दीद, सीईओ पर साजिश का जवाबी इल्जाम। लाहौरियों जरा बच के, अनारकली बाजार में सामान उठाने वाले मजदूरों के भेस में चोर और नौसरबाज सरगर्म। गैर रजिस्टर्ड पांडियों के हाथों एक रोज में 13 वारदातें, शहरी लाखों के कीमती सामान से महरूम। सदर मार्केट के खरीदारों को सामान उठवाने से पहले पांडियों की तस्दीक की तलकीन। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी पर काम का दबाव और अहमियत का इकरार, हुकूमत पंजाब ने साइंसदानों और इंतजामी अहदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना ने 219 नई असामियों की समरी काबीना को एसाल कर दी। बासा लाहौर में भी नई भर्तियों का फैसला, 520 नई असामियों के लिए वज़ीरे आला की मंजूरी का इंतजार। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अपोजिशन के जलसे और कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत समेत पंजाब में गुड गवर्नेंस के उमूर पर तबादला ख्याल। सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल आम मरीजों के लिए भी ओपन, सनती वर्कर्स के अलावा इमरजेंसी की सूरत आम शहरी भी अस्पतालों में मौजूदा सेहत सहूलियात से इस्तेफादा कर सकेंगे। अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर में भी आम मरीजों के इलाज की तजवीज, वज़ीरे आला ने सिफारिशात तरतीब देने की हिदायत कर दी। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताजियत का सिलसिला जारी। मोहम्मद अली दुरानी की क्यादत में मुस्लिम लीग फंक्शनल के वक्त की शहबाज शरीफ से मुलाकात, फातह खानी और बुलंद दर्जात की दुआ की। पंजाब पुलिस के जवान थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों को खून के अतियात देंगे। आईजी पंजाब के सुंदरस फाउंडेशन आमद पर मफामती यादाश्त पर दस्तखत, आईजी इनाम फनी की बच्चों के साथ खुशकपियाँ, तहाइफ की तकसीम किए गए। सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद का ओरिएंट मेस का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन के लिए हिफ्जान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना तैयार किए जाने पर इजहार इत्मीनान। पोलियो फ्री लाहौर, जिद्दोजहद तेज तर, रवा साल चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर आसमलिक का अनारकली के इलाके का दौरा, पोलियो वर्कर्स की हाजिरी चेक की और बच्चों को पोलियो वैक्सीन भी पिलाई। और पंजाब स्टेडियम में नेशनल चैलेंज फुटबॉल कप की गहमा गहमी शुरू। आर्मी टीम की बलोच फुटबॉल क्लब नौशकी को 3-0 से शिकस्त। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 28 टीमें शरीक हैं।